हे गाइस, वेलकम बैक। मैं वीरू जाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिनिशर्स पे। वी ऑल आर फिनिशर्स। तो ये लेक्चर सीरीज जो चलाई है हमने, एक इंग्लिश ग्रामर की पैरेलल सीरीज के साथ साथ कंप्यूटर की सीरीज भी चल रही है, और पाइथन का जो लेक्चर आ चुका है आप प्लीज उसको देखिए और मुझे बताइए कि आपको वो कैसा लगा, क्योंकि जब आप कमेंट करके बताते हो तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, बिकॉज एप्रिसिएशन, जब आपको भी कोई अप्रिशिएट करता है किसी चीज के लिए तो आपको कितना अच्छा लगता है। जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करोगे या कुछ बताओगे नहीं, तब तक मुझे कैसे पता लगेगा। ऐसे तो बोरिंग सी लाइफ चलती रहेगी यार। थोड़ा सा होता है ना कि एनर्जेटिक सा फील होना चाहिए। आप फटाफट कमेंट करते हो, मुझे बताते हो, तो वो सब चीजें ध्यान रखा कीजिए आप। और इंग्लिश की पहले लेक्चर में हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, किस किस तरह के सेंटेंस होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके। सेंटेंस के बाद इंग्लिश ग्रामर में दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट आप सबको पता है कर्ता होता है। सब्जेक्ट की बेसिक डेफिनेशंस किताबों में भरी पड़ी हैं, यूट्यूब पे भरा पड़ा है, लेकिन हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट तरीके का मतलब एक आसान से आसान भाषा में, जिससे उस बच्चे को भी समझ में आ जाए जिसने कभी इंग्लिश को पढ़ा नहीं या जिसको बहुत डर लगता है इंग्लिश से। हम सिर्फ वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं जो HSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हाई लेवल की इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमारे 6 से 7 से 8 क्वेश्चन आने हैं, और वो क्वेश्चन कहां से आने हैं, कैसे आने हैं, वो मेरी कराने की गारंटी है। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ही हम एग्जाम में बैठेंगे, उससे पहले नहीं बैठेंगे। अब देखिए, कोई भी एक सेंटेंस होता है ना, उस सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और एक पार्ट होता है प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट के अलावा कोई भी पार्ट, दूसरा पार्ट है, वो प्रेडिकेट ही है। जिसको हम नाम दे सकते हैं, या तो इंसान का नाम हो सकता है या किसी चीज का नाम हो सकता है, जिसको हम कोई नाम दे रहे हैं वो है सब्जेक्ट। और उसको नाम देने के बाद हम उसके बारे में कुछ बता रहे हैं कि ऐसा होने से ऐसा हुआ। तो ऐसा होने से कौन हो गया? सब्जेक्ट हुआ। ऐसा हुआ क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, तो वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बारे में बताया एक अच्छा इंसान है, तो वो क्या हो गया? उसके बारे में हमने प्रेडिकेट, प्रेडिक्शन किया, प्रेडिकेट किया, हमने प्रेडिकेट बता दिया। ऐसे सेंटेंस में होता है दो चीजें, एक सब्जेक्ट पार्ट होता है, एक प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो आपको दो चीजें मैं बता चुका हूं कि जिसको हम नाम दे सकते हैं, जिसके बारे में हम बता सकते हैं, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या बताया या क्या हुआ उसके साथ, या वो क्या करता है, या वो कैसा है, या वो ऐसा है, वैसा है, ये हुआ, वो हुआ, वो सारा पार्ट क्या हो गया? वो प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब एक सेंटेंस में से तो ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, वो सारी चीजें होती है, वो तो हम धीरे धीरे पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। अभी हमें क्या चीज पढ़ने की जरूरत है? सिर्फ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, और ये हम सीखेंगे सीधे के सीधे एग्जाम्पल से। हम वो ग्रामेटिकली पुराने दौर जमाने की चीजें नहीं सीखेंगे, सीधे के सीधे मैं आता हूं एग्जाम्पल्स पे, और एक एक एग्जाम्पल के साथ साथ हम सीखेंगे। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, किसी सेंटेंस में होता है कि पहले सब्जेक्ट आ जाता है बाद में प्रेडिकेट आ जाता है, किसी सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि पहले प्रेडिकेट आ जाता है बाद में सब्जेक्ट आता है, वो एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है मेरे पास वो है, अगर मैं सेंटेंस लिखूं तो है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। अब इस सेंटेंस में दो पार्ट हैं। एक पार्ट है जो हमें ये चीज बता रहा है कि कोई एक लड़का है, उसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, जलते हुए डेक पे एक लड़का है। द बॉय, पहले आप बताने की कोशिश कीजिए ये प्रेडिकेट पार्ट है या ये प्रेडिकेट पार्ट है, या ये सब्जेक्ट पार्ट है या ये सब्जेक्ट पार्ट है। आज थोड़ी सी सराउंडिंग में भी आवाज आ रही है, पर फर्क नहीं पड़ता, हम आज माइक लगा के बात कर रहे हैं। तो अब आप आजिए इसके ऊपर आइए और बताइए मुझे, सोचिए प्रेडिकेट पार्ट ये है या ये है, सब्जेक्ट पार्ट ये है या ये है। अभी मैंने बताया था
जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो द बॉय क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। ये कौन सा सब्जेक्ट है, हम इस सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो जो लड़का है ना वो खड़ा है बर्निंग डेक पे, जलते हुए डेक पे वो लड़का खड़ा है। कौन खड़ा है, लड़का खड़ा है। तो लड़का हो गया सब्जेक्ट और ये पार्ट हो गया आपका प्रेडिकेट पार्ट। आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, यानी कि एक लड़का है वो खड़ा है किसी बर्निंग डेक पे। कौन खड़ा है, जब बात आए कौन खड़ा है तो लड़का खड़ा है, तो लड़का है सब्जेक्ट, क्योंकि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, वो बात हो गई प्रेडिकेट। ये था पहला एग्जाम्पल, इसमें आपको समझ आ गया द बॉय इज ए सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रेडिकेट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट हमारा बाद में आता है। जैसे मैं लिखूं अगर, चलिए मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे। वही सेम सब्जेक्ट, सेम प्रेडिकेट, एक सेंटेंस है मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे, कि एक दिन मिस किटी जो थी वो रूड हो गई थी, वो नाराज हो गई थी या वो गुस्सा हो गई थी किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। एक दिन कौन, मिस किटी नाराज हो गई थी, गुस्सा हो गई थी। तो हम किसके बारे में बता रहे हैं, हम मिस किटी के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि वो नाराज हो गई थी, एट द टेबल वन डे। तो मिस किटी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका, जिसको आप नाम दे सकते हैं या जिसके बारे में आप बोल सकते हैं, वो हो गया आपका सब्जेक्ट। और उसके बारे में या उसको नाम देने के बाद वो करता क्या है या उसने किया क्या या उसके बारे में हमने क्या बताया, वो हो गया आपका प्रेडिकेट पार्ट। ये एग्जाम्पल था नंबर दूसरा, मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे, यानी कि मिस किटी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, और बाकी बचा जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया सेंटेंस में, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब ऐसे ही हम 8-10 एग्जाम्पल करेंगे, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आपको होमवर्क के लिए मैं कम से कम 4 ऐसे एग्जाम्पल दूंगा कि आपको कमेंट करके उनमें बताना पड़ेगा उनमें से कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है। तभी हम एक स्कूल की लाइफ की तरह पढ़ेंगे, जैसे स्कूल में होता था, काम होता था, होमवर्क मिलता था, मजा आ जाएगा। जैसे नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। अब बताइए फिजिशियन सब्जेक्ट हो सकता है या नेचर सब्जेक्ट हो सकता है, कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है, सोच के देखिए। हिंदी क्या होती है, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति इज द बेस्ट, सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, ये है डॉक्टर, डॉक्टर को बोलते हैं फिजिशियन। प्रकृति इज द बेस्ट फिजिशियन, प्रकृति जो है सबसे अच्छा डॉक्टर होता है। तो यहाँ पे एक डॉक्टर नाम भी दे रहे हैं, एक प्रकृति नाम भी दे रहे हैं हम, लेकिन किसके बारे में बोला गया है, नेचर के बारे में बोला गया है। जिसके बारे में बोला जाएगा उसको सब्जेक्ट बोलोगे, जिस उसके बारे में क्या बोला गया है उसको प्रेडिकेट बोलोगे। इस एग्जाम्पल में भी मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा कि नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, बेस्ट फिजिशियन कौन है, नेचर है, इसलिए क्या है सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है, वो बेस्ट फिजिशियन है। तो इस एग्जाम्पल में नेचर हो गया सब्जेक्ट और फिजिशियन हो या पूरा पार्ट हो, दूसरा हो गया क्या आपका प्रेडिकेट पार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। हम रटे रटाए वो रूल्स याद नहीं करवाने वाला हूं मैं आपको कि इज आ जाएगा, ए आ जाएगा, पी आ जाएगा, यहां पे ये आ जाएगा, इज के बाद टू लगाना है, वो लगाना है, नहीं। सीधे सीधे एग्जांपल्स के साथ सीख लेंगे, आपके एग्जांपल्स के साथ जब हम चीजें करते हैं तो आपको रूल्स भी साथ साथ ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, बशर्ते हमारे पास वो एग्जांपल्स होने चाहिए, और वो मेरे पास हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप किसी चीज की टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते रहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। द
कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब इस सेंटेंस में आप सोच के देखिए, क्या सब्जेक्ट हो सकता है, क्या प्रेडिकेट हो सकता है, क्या सब्जेक्ट हो सकता है, क्या प्रेडिकेट हो सकता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जरूरी नहीं होता कि सब्जेक्ट पहले ही आएगा, सब्जेक्ट सेंटेंस में बाद में हो सकता है, प्रेडिकेट पहले हो सकता है। प्रेडिकेट का मतलब उसके बारे में बताया गया, जिसके बारे में बताया गया, जिन्होंने कुछ काम किया वो होता है प्रेडिकेट, जिसके लिए किया गया वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस में काम करने वाला या काम जो हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है, ये क्या हो गया, हमने नाम दिया है किसी चीज को, यह किसी जगह का नाम है, मैं बता चुका हूं, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब इसके लिए किया गया कि रोम को सेव्ड, रोम को बचाने के लिए क्या हुआ, वो हो गया उसका प्रेडिकेट। तो इस सेंटेंस में पहले आ गया प्रेडिकेट, बाद में आया सब्जेक्ट। क्यों आया, कि जो भी हमने सब्जेक्ट लिया है, सेव्ड रोम, रोम बचा है, किसकी वजह से, कैकलिंग ऑफ गीज की वजह से क्या बचा है, रोम को बचाया गया है। तो किसको बचाया गया है, रोम को बचाया गया है। तो आ गया सब्जेक्ट, कैसे बचा, जो कहानी है, जो वजह है, वो क्या हो गई आपकी, प्रेडिकेट हो गई। कैकलिंग ऑफ गीज ये एक एडियम है और ये आपको इंटरनेट पे सर्च करना है, क्योंकि कई बच्चों की आदत बन चुकी है कि हर चीज उनको टीचर ही बता दे, वो कुछ से खुद से कुछ नहीं करना चाहते। तो आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो की कमेंट में कैकलिंग ऑफ गीज का मतलब आप मुझे बताओगे। अगर आपने ऐसा किया, ये आपने गूगल पे सर्च किया कैकलिंग ऑफ गीज और आपने अगर कमेंट करके मुझे बताया, तो मैं गारंटी लेता हूं लाइफ में कभी आप फिर इसका मतलब नहीं भूलोगे। मैं अभी अगर आपको इसका मतलब बता दूंगा तो आप सुनोगे, दो दिन के बाद भूल जाओगे, लेकिन जब आप खुद सर्च करोगे तो याद रहेगा। तो कैकलिंग ऑफ गीज की वजह से रोम बचा, तो कौन बचा, रोम बचा, रोम हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बचाया गया किसकी हेल्प से, इस चीज की हेल्प से, जिससे बचाया गया वो हो गया प्रेडिकेट। तो इस सेंटेंस में पहले प्रेडिकेट है, बाद में सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, हम समुद्र को पंप करके, कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, हम समुद्र को सूखा नहीं बना सकते। चाहे हम कुछ कर लें, हम समुद्र को सूखा नहीं बना सकते, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो हम हैं क्या, करने वाले, हम क्या हैं, करने वाले, तो हम क्या हैं, हम सब्जेक्ट हैं। हम कुछ भी कर लें तो किसको, ओशियन को ड्राई नहीं कर सकते, तो हम किसको, प्रेडिकेट को नहीं कर सकते। हमारे बारे में हमने क्या बोला, हमारे बारे में सब्जेक्ट ने खुद के बारे में क्या बोला, कि हम हैं वो नहीं कर सकते, और हमारे बारे में हमने बोला है कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो जो नहीं कर सकते वो हो गया प्रेडिकेट। आई बात समझ में, वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, हम समुद्र को कभी भी सुखा नहीं सकते। हम सब्जेक्ट कभी भी समुद्र को नहीं सुखा सकते, हम प्रेडिकेट वो काम नहीं कर सकते। तो हमारे बारे में हमने बोला कि हम वो नहीं कर सकते, हम क्या हैं, सब्जेक्ट, क्योंकि हम हैं करने वाले, या तो हम कर पाएंगे या हम नहीं कर पाएंगे, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रेडिकेट। उस सब्जेक्ट के बारे में बोला गया है कि वो सब्जेक्ट ये काम नहीं कर सकता, तो जो चीज वो नहीं कर सकता, जो चीज उसके बारे में बोली गई है कि वो ये काम नहीं कर सकता, वो सब्जेक्ट, वो सेंटेंस में पार्ट होता है प्रेडिकेट, और जिसके बारे में वो चीज बताई गई है वो हो गया सब्जेक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का इस लेक्चर के बाद आपको लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन,
द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। चलिए मान लीजिए ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, नो एरर आगे लिखा है, ए बी सी डी चार पार्ट हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एरर में आ गया और ये एचएसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। जिस दिन हम प्रैक्टिस करेंगे उस दिन मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन कब और कौन से पेपर में पूछा गया। ये सेम सेंटेंस पूछा गया था, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और नो एरर, तो आप बताइए कौन से पार्ट में एरर है। बता लिया, नहीं पता लग रहा, अभी बताता हूं। अराउंड नहीं आता, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन नहीं आता, राउंड द सन आता है, ये बात याद रखना आप। अराउंड गलत होता है, राउंड सही होता है। तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन नहीं आएगा, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन आएगा। तो यहां पे सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, काम कौन कर रहा है, काम धरती कर रही है, क्या कर रही है, चक्करे लगा रही है, किसके साइड में लगा रही है, किसके नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता। कर कौन रहा है, हमारी अर्थ कर रही है, हमारी अर्थ क्या कर रही है, हमारी अर्थ ये प्रेडिकेट कर रही है। क्लियर है कि धरती क्या कर रही है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट कर रहा है, बस। अराउंड द सन, अराउंड द एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी चीज आ जाए तो आपका मतलब हम समझ, क्या समझना है, यही क्वेश्चन देके आपसे पूछ लेता कि सब्जेक्ट क्या है। तो कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में सन के बारे में भी तो बात बोली गई है ना, कि सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ऐसे तो हम ये भी मान सकते हैं कि सन, सन के बारे में बोला गया है, सूरज के बारे में बोला गया है कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। इसका मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं, सूरज के बारे में बोल रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमें यही तो चीज नोटिस करनी है ना कि काम कर कौन रहा है, कर तो पृथ्वी रही है ना, बेशक से सूरज के चारों तरफ लगा रही हो चक्कर, लेकिन लगा कौन रहा है, पृथ्वी। तो सब्जेक्ट ही होता है जो करता है कुछ ना कुछ काम, जिसके लिए करता है या जो भी करता है वो पार्ट होता है प्रेडिकेट पार्ट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। अब यहां पे एक्सपीरियंस के बारे में भी बोल दिया, वी के बारे में भी बोल दिया, यानी कि हमारे बारे में भी बोला है, एक्सपीरियंस के बारे में भी बोला है। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से ही हमें फायदा होता है, बिना एक्सपीरियंस के हम चीजें नहीं सीखते। तो यहां पे इंपॉर्टेंस एक्सपीरियंस को भी दे दी, यहां पे इंपॉर्टेंस हमें भी दे दी, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम जब एक्सपीरियंस लेंगे तभी हमें फायदा होगा, बिना एक्सपीरियंस के कोई चीज फायदा नहीं देती है। तो दो तरीके से सेंटेंस को हम इसको पढ़ सकते हैं कि हम प्रॉफिट पा सकते हैं एक्सपीरियंस से, या एक्सपीरियंस की वजह से हमें प्रॉफिट हो सकता है। दो तरीके से पढ़ लिया, लेकिन करेगा कौन एक्सपीरियंस, लेगा कौन, हम ही तो लेंगे ना एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस तो हमें नहीं ले सकता, एक्सपीरियंस को हमें लेना पड़ेगा तब एक्सपीरियंस हमें देगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया, यानी कि पॉसिबिलिटी, संभावना कि संभावित इस सेंटेंस में कौन ऐसा शब्द है या क्या वो चीज है जो कर पाएगी वो चीज, तो वो कौन, हम कर पाएंगे, हम एक्सपीरियंस ले पाएंगे। तो इसलिए हम हैं सब्जेक्ट और हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लेंगे, फायदा लेंगे एक्सपीरियंस से, बेशक से एक्सपीरियंस ने हमें फायदा दिया हो, लेकिन दिया हमें है क्योंकि हमने किया, तो हम क्या हो गए, सब्जेक्ट, और एक्सपीरियंस, प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। यही चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी मैं कम से कम दो सेंटेंस लिखता हूं, उन दोनों सेंटेंसेस का आंसर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट कौन सा है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, द शेफर्ड, द शेफर्ड ए बार्किंग साउंड, द शेफर्ड ए बार्किंग साउंड हियर्स।
तो मैं पार्ट बता देता हूँ, एक तो है द शेफर्ड पार्ट और एक है ये पार्ट। इसमें से आपको बताना है क्या ये सब्जेक्ट है या ये सब्जेक्ट है, या ये प्रेडिकेट है या ये प्रेडिकेट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, और इसको मैं डिवाइड करता हूं नो मैन और कैन सर्व टू मास्टर्स में, क्या ये सब्जेक्ट है ये प्रेडिकेट है, या ये सब्जेक्ट है ये प्रेडिकेट है, क्या ये सब्जेक्ट है ये प्रेडिकेट है, या ये प्रेडिकेट है ये सब्जेक्ट है। इन दोनों सेंटेंसेस के बारे में आप मुझे बताओगे, आप ऐसे लिख के मुझे बता देना कि पहले सेंटेंस में ए पार्ट सब्जेक्ट है या दूसरे सेंटेंस में बी पार्ट सब्जेक्ट है, ऐसे करके आप मुझे बता देना। तो सेंटेंस एंड प्रेडिकेट आपको समझ आ गया होगा, सॉरी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सेंटेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में हमने पढ़ लिया। किसी भी सेंटेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सब्जेक्ट पार्ट करने वाला, एक सब्जेक्ट होता है प्रेडिकेट पार्ट, उसके बारे में जो बताया गया हो या जिसकी वजह से वो हुआ हो वो पार्ट होता है प्रेडिकेट पार्ट। इन्हीं दो पार्ट्स को मिला के एक सेंटेंस बनता है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि नाउन प्रनाउन वर्ब एडवर्ब, वो सीरीज चलेगी अभी, ठीक है गाइज। तो इन दोनों का आंसर आप मुझे बताओगे, एंड प्लीज अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि ऐसे ही आगे वीडियोज आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।